तो आपको इंट्रो दे देते हैं बाइक से, यहीं से आप गेस कर सकते हो कि कौन सी बाइक है। आप सब आई होप सब बढ़िया ही होंगे। सो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि मैं अभी आपास किया था, बट कुछ काम पड़ गए थे तो हमें जाना पड़ा, और जो थोड़ा सी क्लिप आई थी रिएक्शन वीडियो में वो भी एक्चुअली उतनी ही निकाल पाया, बिकॉज मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करा था, मैंने आपको बताया था उसमें, और फ़ोन के जो मेरी स्टोरेज थी वो ख़त्म हो चुकी है। सो इस रीज़न से फ़ोन जो था वो ऑटोमेटिकली कैमरा जो बंद हो जा रहा था, तो वीडियो इतनी अच्छे रिएक्शंस निकाले थे मैंने, बट कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। बट आज मैं दोबारा ट्राई करूँगा रिएक्शन वीडियो बनाने की, बिकॉज मैंने कुछ फ़ोन में मतलब स्टोरेज वगैरह क्लियर की और थोड़ा और भी काम किया है। सो अगर आपने पिछले वाला व्लॉग नहीं देखा तो वो व्लॉग देख लो, बिकॉज उसमें मैंने काफ़ी बातें ही की हैं, वैसे कुछ मतलब वो नहीं किया, बट एक बार आप देख लो उसको, और कैमरा क्वालिटी और साउंड क्वालिटी मुझे बता देना कि मैं उस हिसाब से चलूँ या अपग्रेड मैं कैमरा यूज़ करूँ, बिकॉज मैं आज वही काम करने जा रहा हूँ, कैमरा और उसका जो एसडी कार्ड मुझे चाहिए था, बिकॉज मुझे यहाँ पे कहीं नहीं मिला एसडी कार्ड जो मैं ढूंढ रहा हूँ। सिंपल वाले मिले हैं, सिंपल वाले से अच्छा वाला मेरे पास पड़ा है, बट वो भी है वो 4K शूट नहीं कर पाता, और उसका रीज़न ये है कि थोड़ा कम क्वालिटी, वो 1080 मैक्स टू मैक्स 1080 लेता है। तो 4K शूटिंग के लिए मैं मेमोरी कार्ड अभी लेने जाऊँगा, और शायद रास्ते में थोड़ी सी रिएक्शन भी निकालूँगा, अगर कॉलेज वाली साइड जाऊँगा तो कॉलेज के रिएक्शंस निकालूँगा। बाकी चलो देखते हैं आज क्या बन पाता है। और हाँ, लास्ट व्लॉग में एक बाइक मैंने आपको दिखाई थी, वो अभी वहीं पे खड़ी हुई है, सो उस आप गेस करना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सी बाइक है वो, ठीक है, कज वो एक तबाही है, ठीक है। और बाकी अभी हम देखते हैं क्या हो पाता है क्या नहीं हो पाता है, कज अभी एक एक्सपल्स वहाँ पे है, और भैया ने बोला कि अभी शूट करना है हमने ऑफ रोडिंग का थोड़ा कंटेंट, और अभी रिसेंटली भी आ गए थे बट कुछ हो नहीं पाया था उस कंटेंट का। सो अभी मैंने जस्ट ये जैकेट, हाँ इस जैकेट की, ये तो बहुत स्पेशल जैकेट है, इसके बारे में बताना तो भूल गया, ये जैकेट मेरे साथ थी जब मेरा मेजर एक्सीडेंट हुआ था, सो इसने मुझे काफ़ी हद तक बचा लिया था। मैं बताऊँगा निशान यहाँ से सारी वगैरह फट रखी थी, मम्मा ने रिपेयर करवा ली है, बट बहुत बहुत हेल्प की थी इस जैकेट ने मेरी। सो अभी यही जैकेट पहन के जाऊँगा मैं, और बाकी तो चलो है ये सेटअप अपना, ग्लव्स, और मैं हाँ कुछ रिकमेंडेशंस करूँगा, बिकॉज आजकल रोड एक्सीडेंट्स वगैरह बहुत हो रहे हैं, तो गाइस प्लीज़ अगर आप राइडिंग कर रहे हो तो थोड़े हेलमेट ग्लव्स ऐसा कुछ थोड़ा मतलब अपनी सेफ्टी देख के किया करो। मैं किसी को पुश नहीं करता या कुछ वो नहीं करता कि भाई तुम रेस लगाओ या तुम स्पीड से चलो, सभी का अपना अपना तरीका चलने का, जिसने जैसे चलना चल सकता है, बट अगर आप ऐसे स्ट्रीट रेसिस कर रहे हो यार तो थोड़ा देख के कर, कोई भी आ सकता है एकदम से। मैं चलता हूँ, मैं अपने ध्यान से चलता हूँ कि कोई आए ना, मैं रेसिस वगैरह नहीं करता अभी और ना ही करूँगा स्ट्रीट्स पे। हाँ मैं प्लान बन रहा है BIC का, शायद अगर मैं BIC जाऊँ तो उसके लिए पहले मुझे थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा बाइक को भी। सो अगर BIC का प्लान बनता तो आपको BIC का मैं बहुत जल्दी एक ब्लॉग लेके आऊँगा। BIC दैट इज़ बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट, लोकेटेड इन दिल्ली नोएडा। सो भाई वो बहुत प्यारा, और उसमें 23 में एक और चीज़ होने वाली है, वहाँ पे आ रही है MotoGP, और भाई कसम से मैं जाऊँगा उसको देखने, लिटरली बोल रहा हूँ भाई मैं जाऊँगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए भाई मैं जाऊँगा। और चलो बाकी अभी चलते हैं, थोड़ी सी रिएक्शन वीडियोस मैं ट्राई करूँगा निकालने की आज फिर से, और निकालते हैं रिएक्शन वीडियोस, सेटअप हो रखा है, और लास्ट व्लॉग ज़रूर देखें, और मुझे मेरे प्रोज एंड कॉन्स बता देना, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए इस टाइम, क्योंकि अभी ग्रो कर रहा हूँ, और ग्रोइंग में अगर आप मुझे बताओगे कि प्रोज क्या हैं कॉन्स क्या है मेरे, तो मैं काफ़ी हेल्प हो जाएगी मेरी। चलो अभी चलते हैं और करते हैं बाइक स्टार्ट और निकलते हैं। तो अभी हम निकलते हैं, 12:01 के अराउंड का टाइम हो गया अभी, और काम बहुत सारे हैं, देखते हैं कितने काम हो पाते हैं आज और कितने नहीं। बाइक यार बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है इस टाइम, और आज कैमरा बंद ना हो फ़ोन का, इसलिए मैंने कुछ चीज़ें की हैं, जैसे कल हो गया था यार, कल तो बहुत कुछ हुआ है, इतने अच्छे इतने प्यारे प्यारे रिएक्शन आए हैं और कैमरा बंद हो चुका है।
सो अभी करते हैं बाइक को कोल्ड स्टार्ट और चलते हैं चौक। और आज आपको साउंड क्वालिटी थोड़ी एनहांसमेंट मिल सकती है कल इंटरकॉम वाला माइक है वो यूज कर रहा हूँ और वो जो आज बंद नहीं हुई है थोड़ा मौसम जो है उसके आगे हम से और उसके बाद तो आप यहीं से गेस कर सकते हैं कौन सी बाइक है। और भाई क्या प्यारी लग रही है यार, ये देखो यार ये कितना बड़ा हेड है इसका। और ये खड़ी है हमारी नेकेड भूसा। सो हैरी पे पीछे लगे हुए काम पे और अभी शायद इसकी वॉशिंग वगैरह करने जानी है, कोटिंग हो चुकी है। और ये खड़ी है यार एक्सपल्स, क्या है प्यारी है यार, ये बहुत हाइट है यार इसकी। और हैरी भैया देखते अभी क्या कर रहे हैं, चेन एग्जॉस्ट से कुछ काम कर रहे हैं। और भाई इसको ना ऐसे कोई पहचान ही नहीं सकता यार, देखो तो सही अगर हेड ना लग रखा हो तो। और भाई एक बार सिनेमेटिक व्यू देता हूँ, मतलब सिनेमेटिक क्या मैं वैसे व्यू दे देता हूँ आपको हेड का इसके क्लोजअप। भाई देखो क्या शानदार है यार ये भी, वाओ जस्ट वाओ। और एक फेयरिंग इसकी ये पड़ी है और एक ही है और कोटिंग दोनों पे हो चुकी है, मतलब पूरी बाइक पे हो चुकी है। और बस अभी वॉशिंग वूशिंग होगी थोड़ी और बस रेडी। और अभी भैया ऑन करने लगे इसको। आगे निकलना है, शाम को मिलते हैं इस बाइक के द्वारा जब ये फुल ठीक हो जाएगी। और यार इस टाइम बहुत प्यार से लगेंगे और भाई और सब भैया वापस आ चुके हैं। ठीक है भाई, विदाउट एग्जॉस्ट से यार एक कसम से चीखती है, बहुत ज़्यादा चीखती है। और भाई फेस देखो इसका यार नेक्स्ट लेवल, पीछे इस टाइम मैं आ रखा था एसडी कार्ड के चक्कर में और देखो क्या हुआ, नंबर प्लेट गिरते गिरती बची है। यहाँ पे एक नट लगता है सो वो नट निकल गया और ये ऐसे टंग गई थी। दूसरे वाले नट ने अच्छा काम किया, ये वाला जो नट है इसी थोड़ा देख रहे हो भाई तो इसने बचा रखे है। बाकी देखते हैं हार क्या होता है नंबर प्लेट का, कहीं से मैं ट्राई करता हूँ तो नट लेने की और फिर चलते हैं, थोड़ा सा काम रहता है और फिर निकलते हैं। पहुँच रखे थे जसूर में, एसडी कार्ड मिल गया है। मेरा पठानकोट का चक्कर बच गया भाई, इस टाइम मैं काफ़ी खुश हूँ। और अभी यहाँ पे हम जसूर में लिया है, शॉप का नेम है न्यूरो साइंस एंड मोबाइल क्लिनिक। भाई बहुत हेल्प की भैया ने मेरे को, बहुत गाइडेंस भी दिया है। और मैं तो बोलूँगा अगर मतलब कुछ सामान आपको नहीं मिला तो जसूर में यहाँ पे मिल जाएगा एसडी कार्ड, और कहीं भी नहीं मिला मुझे पूरे जसूर में ज्वाली में। अभी चलो ये काम हो गया, मेरे पठानकोट का चक्कर बच गया, अब दिव्यांश का सामान लेना है थोड़ा सा और उसके बाद हम निकलते हैं। और अब आपको जो वो हाँ सबसे बड़ी बात, जो अभी आपको वीडियोज़ दिखाई जाएंगी वो सारी कैमरे के थ्रू होंगी। और साउंड क्वालिटी अगर थोड़ी ना आए तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि अभी मैं साउंड के लिए भी इसके बाद काम करूँगा। तो भैया एक और मिले हमें यहाँ पे, तो बहुत गाइडेंस मिली है मुझे आगे फ्यूचर के लिए। तो अब निकलते आगे को यार, भाई बहुत तेज है तो अभी निकलते आगे को। तो अभी हम स्कूल में सामान ले लिया है तो निकलते हैं अभी। और मेरे बाइक का जैसे मैंने बताया कि यार नेट निकल चुका, और साउंड के लिए अगर कुछ अभी आवाज़ें गंदी आएंगे तो वहाँ पर साउंड जैसे डाल दूँ, क्योंकि कैमरे से कर रहा हूँ अभी रिकॉर्ड। और दूसरी बात ये कि कैमरे का मेरा माइक नहीं है अभी, देखो कि
करते हो यार, अच्छा लगता है यार जब रिएक्शन आते हैं अपने पास। ठीक है, देखो यार जिया ने बिल्कुल इशारा कर दिया मेरे को कि यार नहीं इस टाइम मतलब बच्चे उतर रहे हैं तो करना पड़ेगा, आगे वाला बच्चा कुछ हो रहा है इस टाइम तो इसको लग रहा है कि वो ब्लॉक नहीं आ रहा है। और तो ऐसे ही रिएक्शन कैप्चर हो रहे हैं मेरे। बाकी यार प्यारा प्यार ऐसा प्यार मिले ना तो भाई इंसान कुछ भी करता है यार। इंसान होता है प्यार का भूखा, और मतलब भाई बंदे के लिए तो स्माइल है तो थोड़े से रिएक्शन कैप्चर करे। और भाई जैसे कभी आए थे रिपोर्ट नहीं कर पाया आगे पुलिस वाले भी खड़े हैं। पुलिस वाले खड़े हैं तो मुझे रोक लेंगे और फिलहाल तो मैं टाइम और वेस्ट हो जाएगा। सो यार बातें शातें करनी चाहिए यार, अच्छा लगता है। बाय बाय। पता नहीं मैं क्या ही शूट कर रहा हूँ और मजा आते हैं यार। अच्छा लगता है ये वैसे आप रिएक्शन मिल रहे हो ना। देखो रिएक्शन के लिए भाई बंदा कुछ भी करता है। हाँ सो आई होप कि नेक्स्ट जो राइड होगी जो हमारी बड़ी राइड होगी और काम सारे हो चुके हैं। ठीक है अब निकलते हैं घर वापस। और बाकी आपको रास्ते में अगर अब नॉइज़ थोड़ा सा आएगा रिएक्शन वीडियोस में निकाल दूंगा। ठीक है बट ये अगर नॉइज़ आपको आता है तो मैं उसमें उसकी जगह कुछ और ऐड ऑन कर दूंगा साउंड और रिएक्शन वहाँ पे मैं सब कुछ आपको कर दूंगा। सो दिल थाम के बैठिए कस अब आने लगा है रिएक्शंस। अब आएंगे रिएक्शंस तो निश्चित करते हैं यहाँ चेक करते हैं यहाँ। और आई होप कि SD कार्ड जो प्रॉपर वर्क कर रहा हूँ, इंडिकेटर अपने फेवरेट वाले। चलो फिलहाल टाइम पर यूज़ कर लेते हैं। और कान नहीं सुनेंगे, रिहाई सुनते हैं। तो आजकल लोग इंटेंड करते हैं बहुत लंबा हो चुका है, 14-15 मिनट के राउंड हो चुका है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मैं इनसे कंटिन्यू करने की ट्राई करूंगा अगले व्लॉग को। और रिएक्शन अगर जो आए हैं इसमें अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय।